Assalamualaikum, this is Mohammed Anis, or you are watching my channel, जहाँ पे मैं cover करता हूँ latest infotainment, यानी information entertainment के साथ, और थोड़ा सा उसमें होता है foodie, यानी खाने का तड़का. So आज की वीडियो में हम क्या cover करने जा रहे हैं, ये हम आपको भी बताते हैं. अच्छा जी, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पेनियर पे अपना अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं और फाइवर के साथ उसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं. सो सबसे पहले आप ये करेंगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसको आप क्लिक करेंगे. सो इस तरीके से आपके पास पेनियर की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी. इसको आप अपने, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप इसे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं. उसके लिए आपने क्या करना है कि रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है. ठीक है, यहाँ से आप बता देंगे आप फ्रीलांसर हैं, ऑनलाइन सेलर हैं, जो भी आपका है इंडिविजुअल है. तो आप फ्रीलांसर हैं तो फ्रीलांसर कर दें. आई एम लुकिंग फॉर गेट पेड बाय इंटरनेट नेशनल क्लाइंट्स. ठीक है जी, माई मंथली वॉल्यूम जो भी है 10,000-20,000, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ से इंडिविजुअल पे ही रहना है, आपने कंपनी पे नहीं जाना अगर आप इंडिविजुअल सेलर हैं. और यहाँ पे आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो एंटर करेंगे. यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस दे देंगे, उसके बाद आप यहाँ पे अपना री एंटर करेंगे और यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ कोई भी जो पे आपकी है. सपोज आप हैं जी 99 के और 6 जुलाई को आप पैदा हुए थे, नेक्स्ट कर दें. ठीक है, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस बताना है. सपोज यहाँ पे स्ट्रीट नंबर 123 है, F82 सेक्टर है, इस्लामाबाद में आप रहते हैं, जिप कोड है 54,000. यहाँ पे आपने अपना नंबर देना है, उसके बाद आप यहाँ से इसको वेरीफाई करेंगे और आपके पास जो भी कोड आएगा उसको आप यहाँ से वेरीफाई कर देंगे. वेरिफिकेशन के बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे. यहाँ पे आप अपना जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं अपना पासवर्ड सेट कर दीजिए. क्या सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने जो भी रखना है. इसके बाद आपने अपनी ID डिटेल्स बतानी है. यहाँ पे आप पाकिस्तान के हैं तो आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर होगा, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, और इसी तरीके से आप यहाँ पे ये जो कैपेचा आ रहा है इसको आप एंटर करके नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद आपसे वेरीफिकेशन ली जाएगी, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी. सबमिट होने के बाद आपने माई अकाउंट पे जाना है. सो इस तरीके से आप अपनी कंप्लीट जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप एंटर कर दें, क्योंकि अभी मेरे पास आईडी कार्ड ऑलरेडी, मैं इसको रजिस्टर्ड कर चुका हूँ तो मेरा इस पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है. मैं आपको लॉग इन करके दिखा देता हूँ. सो इस तरीके से आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा जिसमें आपकी ये कंप्लीट डिटेल्स आ रही होंगी. आपने ये करना है कि आपने सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स के अंदर वेरीफिकेशन सेंटर पे आप जाएंगे. सो यहाँ पे आप देख लेंगे जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो आपको बता देंगे. और इसी तरह आप हिस्ट्री में देख सकते हैं, आपसे नेशनल आईडी कार्ड मांगा जाएगा, बैंक अकाउंट का नेम होगा, ग्लोबल पेमेंट सर्विस होगी और बैंक अकाउंट के नेम की वेरिफिकेशन होगी. सो ये अप्रूव हो जाएंगी और जिस दिन अप्रूव हो जाएंगी उसी दिन आपको ईमेल आ जाएगी और इस तरीके से आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा. ठीक है, और आपका जो ईमेल आईडी है वही आपका अकाउंट होगा और वही आप इस्तेमाल करेंगे फाइवर के ऊपर. और इसके बाद यहाँ से आप आएंगे तो आप बैंक ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे और पहले आप इसको वेरीफाई करेंगे. वेरीफिकेशन के बाद आपको वो अकाउंट डिटेल बताएगा, वहाँ से आप पेनियर सेलेक्ट करेंगे और पेनियर में अपना जो अकाउंट है वो बता देंगे तो आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा. उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी. अगर पेनियर से रिलेटेड कोई सवाल हो तो बता दीजिएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप साइन अप हो सकते हैं तो वहां से आप इजीली अपना अकाउंट जो है वो बना सकते हैं.